हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपनी स्किन से सारी इम्प्योरिटीज़ को, डेड स्किन को और जितने भी हमारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं पोल्यूशन में जाने की वजह से, जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काम पे जाते हैं, सबको पोल्यूशन में जाना पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट में जाना पड़ता है, उसकी वजह से टैनिंग हो जाती है, उसकी वजह से हमारी नोज़ पे ब्लैक हेड्स आते हैं, वाइट हेड आ जाते हैं और जो हमारे पोर्स हैं वो सारे उसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ चली जाती हैं। और उनको किस तरह से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है उसके लिए हमें स्क्रबिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन पे करने के लिए। तो स्क्रब जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, प्लस आपको पता भी नहीं होता कि आपकी स्किन पे वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो आपको एक्ने ना कर दें, पिंपल्स ना कर दें, शायद आपकी स्किन पे सूट करें ना करें और उसमें केमिकल्स ना हो, ये सब की सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, तभी हमें कोई स्क्रब को चूज़ करना होता है अपनी स्किन पे यूज़ करने के लिए। स्क्रब या कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि उसमें पैराबिन ना हो, वो पैराबिन फ्री हो प्रोडक्ट, सल्फर फ्री हो और उसमें कोई भी केमिकल ना हो, तभी हम उस चीज़ को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिमालय की तरफ से हर्बल प्योरीफाइंग नीम स्क्रब, जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आएगा और ये बहुत ही चीप रेट में है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। 10 रुपीज़ में आपको 2 पाउचेस मिल रहे हैं, ऊपर नीचे 10 रुपये में आपको मिलने वाला है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी है, ज़्यादा जल्दी ये ख़त्म नहीं होने वाला, आपको थोड़ा सा यूज़ करना है। सो गाइज, ये किस तरह से वर्क करता है आपकी स्किन पे, और गाइज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिमालय की तरफ से प्योरीफाइंग नीम स्क्रब, जो कि होने वाला है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ और ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, बिल्कुल भी इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। और ये किस तरह से इफेक्ट करता है आपकी स्किन पे, तो इसका पूरा रिव्यू प्लस डेमो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, ये नीम स्क्रब है और नीम आपको पता है कि किन चीज़ों के लिए पहचाना जाता है। नीम से हमारा ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है, अगर हम नीम का जूस लेते हैं या नीम का साफ़ी वाला एक सिरप आता है उसे लेते हैं तो ये प्योरीफाई करता है हमारी स्किन को। जितने भी हमारी कॉजिंग बैक्टीरिया हमारी स्किन पे आ जाते हैं, बैक्टीरिया की वजह से जैसे हमारे फेस पे धूल मिट्टी पड़ती है, उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है हमारे फेस पे आ जाते हैं, तो ये स्क्रब जो है ये बैक्टीरियाज को किल करता है। उससे क्या होता है कि पिंपल वगैरह आपकी स्किन पे नहीं आ पाते हैं और बहुत ही जेंटल स्क्रब है, बहुत ही अच्छा स्क्रब है। तो गाइज, ये स्क्रब जो है ये आपकी स्किन से डेड स्किन सेल को, जितने भी आपके ब्लैक हेड हैं आपके फेस पे, नोज पे वाइट हेड हैं, जितने भी आपकी स्किन पे इम्प्योरिटीज आ गई हैं, पोर्स ओपन हो गए हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटीज घुस गई हैं, डस्ट घुस गई है, उसको किस तरह से निकालना है का ये जो स्क्रब है ये पूरे अच्छे से उनको प्योरीफाई कर देगा आपकी स्किन को और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही क्लियर लगेगी, सॉफ्ट लगेगी, क्लीन हो जाएगी एकदम से और काफ़ी रिफ्रेश लुक आपको देखने को मिलेगा और आपका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपकी टैनिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी और आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर हो जाएगा। सो गाइज, इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें 3 तरह के इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, एक है नीम और इसमें डाला गया है एप्रिकॉट और इसमें डाली गई है थोड़ी सी टर्मरिक और इन तीनों के मिक्सचर के साथ इसको बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले गए हैं, इसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिन इसमें डाली गई हैं और हाइपोअलर्जेनिक है ये, बिल्कुल भी इसके साथ कोई एलर्जी नहीं होगी, इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करेंगे, बहुत ही अच्छा है, 100% आयुर्वेदिक है ये, प्लस ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, 10 रुपये में आपको ये पाउच मिल जाएगा। अगर आपको ये सूट करता है तभी आप इसका कोई बॉटल जो है इसकी जो ट्यूब फॉर्म में बॉटल आती है उससे परचेज करें तो आपको पता भी लग जाएगा कि ये आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जितना मैं आपको बता सकती हूँ उस हिसाब से ये हर एक स्किन वालों को सूट करेगा। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है और बहुत ही जेंटल स्क्रब है, आपको बहुत ही जेंटली अपने फिंगर टिप्स के साथ इसे सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज देनी है 2 से 3 मिनट, उसके बाद आप इसे वॉश कर लें। तो गाइज, आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे लगा सकते हैं और अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बहुत ही अच्छा स्क्रब है, 100% आयुर्वेदिक है, कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी हार्मफुल ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाला है, तो बहुत ही अच्छा स्क्रब है।
सो गाइज आपने देखा कि किस तरह से ये मेरे फेस को अच्छे से इसने रिमूव कर दी सारी इम्प्योरिटीज़, डेड स्किन जितनी भी थी, मेरी स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट और रिफ्रेश लगने लग गई इसको लगाने के बाद। तो इसे मैंने कई दफ़ा यूज़ किया है, आप भी इसे यूज़ करें, बहुत ही अच्छा स्क्रब है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर यूज़ करें। सबसे पहले पाउच से यूज़ करें, 10 रुपये में आपको 2 पाउच मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है, जल्दी ख़त्म भी नहीं होने वाला। तो आई होप कि आपको ये रिव्यू प्लस डेमो मेरा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और शायद थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपको अगर हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो आगे, ताकि आगे भी किसी की हेल्प हो सके। सो गाइज अगर आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस मैं और लेके आती रहूँ, तो आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो गाइज जल्दी आती हूँ अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।